हे दोस्तों, आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। देखो 26 जनवरी हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इस दिन हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे किसी भी कंट्री का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, वो फोर्स में आया था। सो इसी खास दिन के खास मौके पे आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खास इंसान की बातें शेयर करने वाला हूँ, जिनका हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ था। नव ये इंसान वैसे तो पैदा हुए थे एक ऐसे परिवार में जिन्हें अछूत माना जाता था, मतलब एकदम निचली जाति का माना जाता था, जो लोग कभी कोई बड़ा काम नहीं करते थे। बट ऐसे नेगेटिव मेंटालिटी वाले सोसाइटी में पैदा होने के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे कई बड़े बड़े काम करके दिखाए, जिसके लिए ही उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। और उनके कई सारे अच्छे कामों की वजह से ही आज इंडिया में कई लोग उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, जबकि कुछ लोग तो उन्हें भगवान की तरह पसंद करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। जबकि उनका बर्थडे, मतलब अम्बेडकर जयंती, तो हर साल 14 अप्रैल को पूरी इंडिया ही मनाती है। बट अभी क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? ऐसे क्या काम किए उन्होंने जिसकी वजह से लोग उन्हें इतना पसंद करते थे? आप क्या क्या बातें उनकी स्टोरी से सीख सकते हो जो आपको लाइफ में उनकी तरह ग्रेट, रिस्पेक्टेड और सक्सेसफुल बना सकता है? तो वेल, इनके और ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होगी। इनफैक्ट उनमें से एक बात तो सच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। और अगेन आई डोंट थिंक सो मैक्सिमम लोगों को वो बात भी पता होगी, सो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखो। नाउ लेट्स बिगिन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साल 1891 को मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडिया के एक सोल्जर थे, जिनके टोटल 14 बच्चे थे, जिनमें से बाबा साहेब अम्बेडकर उनके सबसे छोटे 14th बेटे थे। ना उनके सिबलिंग्स को छोड़ के बात करें तो बाबा साहेब अम्बेडकर को बचपन से ही पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन क्योंकि वो महार जात से थे, जिसे उस समय लोग अछूत मानते थे, मतलब ऐसी नीची जात वाला जो किसी ऊंची जात के लोगों का सामान तक छू ले तो वो लोग मानते थे कि वो सामान अपवित्र हो गया है, ऐसी जात, इसलिए उनके जैसे नीची जात वाले बच्चों को कई बार पढ़ाई के लिए स्कूल तक में नहीं लिया जाता था। बट क्योंकि बाबा साहेब के पिता मिलिट्री में थे, इसकी वजह से फॉर्चुनेटली उन्हें स्कूल जाने का एक बहुत खास मौका मिला। बाबा साहेब का असली सरनेम सकपाल था, लेकिन उनके टीचर कृष्णा केशव अम्बेडकर, जो बाबा साहेब को बहुत ज्यादा पसंद करते थे एज अ स्टूडेंट, इसीलिए उन्होंने बाबा साहेब को अम्बेडकर सरनेम रखने दिया स्कूल के रिकॉर्ड्स में, ताकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो उनकी जाति की वजह से। बट इस सब के बाद भी पढ़ाई में बहुत अच्छा होने के बावजूद बाबा साहेब को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। एग्जाम्पल, एक बार एक टीचर ने उनको सवाल सॉल्व करने के लिए ब्लैकबोर्ड पे बुलाया, तो जब बाबा साहेब वहां पे गए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वहां सारे बच्चे चिल्लाने लगे कि ये नीची जात का है, इसे क्यों बुला लिया। इसके बाद बच्चों ने ब्लैकबोर्ड के नीचे उनके जो टिफिन रखे थे वो उठा के ले लिए, क्योंकि बच्चों को लगता था कि बाबा साहेब की परछाई अगर उनके खाने पे लग जाएगी तो वो अपवित्र हो जाएगा। ऐसे ही कई बार उन्हें कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। एग्जाम्पल, कुछ सोर्सेस बताते हैं कि उनकी जाति की वजह से एक बार उन्हें कुआं से पानी पीने के लिए मारा गया था। वो टांगे पे बैठने गए तो टांगे वाले ने उन्हें मना कर दिया, और फिर उनसे खुद अपना टांगा चलवाया खुद पीछे बैठकर। ऐसी बुरी बुरी चीजों के साथ उनकी लाइफ कट रही थी। अब देखो, 1894 में उनके पिता रिटायर हो गए थे, जिसके बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र आ गया था, जिसके 2 साल बाद ही उनकी माँ की डेथ हो गई थी, जिसने बाबा साहेब को बहुत सैड कर दिया था। 1897 में बाबा साहेब अम्बेडकर मुंबई के एल्फिस्टन हाई स्कूल में पढ़ने गए, और 1907 में बड़े अच्छे नंबर्स के साथ पास हुए। नाउ ये चीज जब महाराजा गायकवाड़ को पता चली, तो उन्हें बाबा साहेब की ये पढ़ने की लगन को देखकर बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाबा साहेब को एक स्कॉलरशिप दी, जिसके थ्रू वो बाहर जाके पढ़ाई कर सकते थे। स्कॉलरशिप मिलने के बाद बाबा साहेब बहुत ज्यादा खुश हुए, और यहीं से उनकी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन मिला। उस स्कॉलरशिप से फिर बाबा साहेब ने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में एमए किया, जिसके बाद उन्होंने एक रिसर्च भी कंप्लीट की, जिस रिसर्च को उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया में पब्लिश किया, जो उन्हें पीएचडी मिलने का रीजन भी बना। फिर वो वहां से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, और वहां से एमएससी लॉ के साथ साथ डॉक्टरेट भी कंप्लीट की। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे, कितना पढ़ते थे बाबा साहेब? वेल, सिंपल आंसर है, बहुत। आपको पता है बाबा साहेब ने 8 साल की पढ़ाई को बस 2 साल 3 महीनों में ही कंप्लीट कर दिया था, इतना उनमें लगन था पढ़ाई को लेके। वो दिन के 21-21 घंटे पढ़ाई करते थे कभी कभी, जिसकी वजह से ही बाबा साहेब अम्बेडकर सबसे पहले इंडियन बने जिन्हें इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट डिग्री मिली, वो भी अब्रॉड में। इनफैक्ट वो पूरी दुनिया के इकलौते व्यक्ति थे जिन्हें डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस जैसी एक वैल्यूएबल डॉक्टरेट डिग्री मिली थी, जो मिलने के सपने दुनिया के कई बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग देखते हैं, बट उन्हें वो नहीं मिलता। नाउ इतना कुछ अचीव करने के बाद जब उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई और उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा, तब उन्होंने सोचा कि अब तो शायद चीजें बदल जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं।
बिकॉज भारत आके फिर बाबा साहेब ने प्राइवेट ट्यूटर और अकाउंटेंट जैसे काम किए, तो उस टाइम भी अछूत अपवित्रता वाली बातें उतनी ही स्ट्रांग थी उनके खिलाफ। इनफैक्ट वो जहाँ काम करते थे वहाँ का प्यून भी उन्हें फाइल दूर से फेंक के ही दिया करता था, जो सब बातें उन्हें बहुत ज्यादा बुरा फील कराती थी। बाबा साहेब ने तब एज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी काम किया बॉम्बे के सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में। लेकिन फिर कुछ साल बाद वो अपने बचे हुए पैसे और दोस्तों की मदद से वापस इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ रुपीस को पब्लिश किया, जो वो बहुत टाइम से करना चाहते थे। लेकिन बाहर जाने के बाद भी बाबा साहेब अपने दोस्तों की मदद और अपने देश में होने वाली नाइंसाफियों को भूले नहीं थे, इसीलिए फिर वो वापस भारत आए, कुछ टाइम महाराजा गायकवाड़ के मिलिट्री सेक्रेटरीट बने, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। अब उन्होंने सारे दलितों के लिए सत्याग्रह करना स्टार्ट करा। उनकी मांग बड़ी छोटी सी थी, वो चाहते थे कि हर इंसान को सबके साथ पानी पीने का अधिकार हो, जिसके लिए वो लड़ने लगे। उन्होंने अछूत और अपवित्र हो जाने वाली बातें और भेदभाव करने वाले धर्म को रिजेक्ट करा, और इसके खिलाफ अपने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स दिखाने के लिए उन्होंने एक बार पब्लिकली मनुस्मृति को जला दिया। ये सारी चीजें करने की वजह से बाबा साहेब को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलने लगा। उसके बाद बाबा साहेब ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, मतलब जिसमें दलितों को अलग से वोटिंग के राइट्स मिले। लेकिन गांधी जी ने इस बात के लिए मना करा, ये समझाते हुए कि अगर वोटिंग अलग किए जाएंगे तो देश शायद आजादी ना हो पाए, जबकि देश की आजादी ही उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी थी, जिसके लिए फिर गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक भी करी। नौ बाबा साहेब काफी समझदार थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी की बातों को समझा और उनके साथ एक समझौता किया। उन्होंने दलितों के लिए रिजर्व सीट की मांग करी, जो फिर पूरी भी हुई पूना पैक्ट के नाम से। अब उनके इन सारे एक्शंस की वजह से दलितों और भेदभाव से परेशान लोगों के वो एक मसीहा बन गए थे, जो उनके लिए बहुत कुछ कर रहा था, इसीलिए वो सब बाबा साहेब को दिल से बहुत पसंद करने लगे। अब ऐसे ही कुछ साल बाद जब भारत की आजादी का टाइम आया, तब नेहरू जी गांधी जी के पास आए अपनी कैबिनेट लिस्ट लेकर। तब गांधी जी ने उनसे पूछा कि इस लिस्ट में बाबा साहेब का नाम क्यों नहीं है। ना देखो, बात ये थी कि लॉर्ड लिनलिथगो, जो उस समय के गवर्नर थे, और महात्मा गांधी, दोनों ही बाबा साहेब अम्बेडकर को 500 ग्रेजुएट्स और हजारों स्कॉलर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट मानते थे, इसलिए फिर बाबा साहेब का नाम भी लिस्ट में डाला गया। और फिर गांधी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को इंडिया के सबसे पहला लॉ मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने की शुरुआत की गई 1947 में। नौ इस पे काफी ज्यादा काम किया गया, काफी मेहनत रिसर्च करी गई कई सालों तक, और फाइनली वो काम 26 जनवरी 1950 मतलब रिपब्लिक डे को लोगों के सामने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करा गया। इंडिया का नेशनल एम्बल भी उसी दिन दिखाया गया था, जिसका क्रेडिट अगेन बाबा साहेब अम्बेडकर को ही जाता है। नाउ आपको पता ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जिससे देश को चलने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। नौ बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोशल बैलेंस रखने के लिए कुछ नीची जातियों, जिन्हें तब किसी भी चीज का अधिकार नहीं दिया जाता था, उन्हें रिजर्वेशंस दिलवाई, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से ही देखा था कि कितना ज्यादा भेदभाव के जैसे लोगों को परेशानियां होती है, तकलीफ होती है, इसलिए उन्होंने इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर वैल्यूज पर बहुत ज्यादा फोकस करा, जैसे कि लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड था। बट इसके बाद भी आपको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 448 आर्टिकल्स, 12 स्केड्यूल्स और 5 अपेंडिसेस है, जिसकी वजह से ही पूरे वर्ल्ड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 94 अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस किए गए हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही बाबा साहेब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड, आई शैल बी द फर्स्ट वन टू बर्न इट। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का गलत इस्तेमाल करे। चलो देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बाबा साहेब। जब पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध की आंखें बंद करके पेंटिंग्स और स्टैचूज बनाए जाते थे, तब बाबा साहेब, जो कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे, उन्होंने सबसे पहले पेंटिंग बनाई थी जिसमें गौतम बुद्ध की आंखें खुली हुई थी। ना ये हुई एक बात, आपको पता है बाबा साहेब टोटल 64 अलग अलग सब्जेक्ट्स में कमांड रखते थे, और इसके साथ साथ उन्हें टोटल 9 लैंग्वेजेस आती थी। वो दुनिया के सबसे पहले बैकवर्ड क्लास के लॉयर बने, और इंडियन फ्लैग में अशोका चक्र डालने का भी क्रेडिट बाबा साहेब को ही दिया जाता है। और इसके साथ साथ वो एक लौते इंडियन है जिनका स्टैचू कार्ल मार्क्स के साथ लंदन म्यूजियम में अटैच्ड है। मतलब आप समझ ही सकते हो उन्होंने कितने महान काम किए होंगे। सो चलो फिर अभी उनसे ही कुछ लाइफ लेसन सीखते हैं, हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। लेसन्स टू लर्न। दलितों के मसीहा जाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वन ऑफ द मेजर रिफॉर्मिस्ट थे, जिनके दिखाए हुए रास्ते पे आज भी हम चल रहे हैं। बचपन में इतनी सारी तकलीफें और गरीबी झेलने के बाद भी बाबा साहेब ने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से अपने आप को अपनी जनरेशन का हाईएस्ट एजुकेटेड इंडियन बनाया, और इसके साथ साथ उन्होंने इक्वालिटी के लिए भी स्टैंड लिया। इसलिए हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से ये सारी बातें सीखनी चाहिए कि हम भी हमेशा सीखने वाले इंसान बने, हार्डवर्क करें डेडिकेशन के साथ, और हमेशा इक्वालिटी पे ध्यान दें। अब अगर हम बाबा साहेब के इंटेलिजेंस को इग्नोर भी करें, तो उनका डिसिप्लिन हमें इस बात से पता चलता है
कि बाबा साहेब को म्यूजिक कितनी पसंद थी। उनके फेवरेट इंस्ट्रूमेंट तबला और वायलिन थे, जिनकी जब वो प्रैक्टिस करते थे तब कितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन सोशलिस्ट आ जाए वो बाबा साहेब को डिस्टर्ब नहीं करते थे, क्योंकि वो हमेशा पूरी लगन से काम करते थे। और यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ही वन ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स, बुक्स और स्टैचूज बनाए गए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के। नौ बाबा साहेब की ये पूरी स्टोरी देखने के बाद मुझे बिल गेट्स का एक कोट याद आता है, जिसे अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करके आपको बोलूँ तो वो कुछ ऐसा होगा। देखो, अगर आप एक गरीब छोटे घर में पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप फिर ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी जीते हो, अपने आप को बिना बदले, बिना गरीबी से निकले, गरीब और अनसक्सेसफुली मरते हो, तो पक्का ये आपकी ही गलती होगी। नाउ अब मैं आपके साथ वो पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। वेल, देखो बात यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की पर्सनल लाइब्रेरी थी राजगीर नाम की, जिसके अंदर 50,000 से ज्यादा बुक थी, जो माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी भी थी। मतलब सोचो उनको कितना ज्यादा बुक्स पढ़ने का शौक था, जो शौक मैं भी चाहता हूँ कि मेरे अंदर और हम सब इंडियंस के अंदर आए, ताकि हम बहुत ज्यादा तरक्की करें लाइफ में। सो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें अगर आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पसंद है तो, कमेंट करके बताओ कि आपको उनकी कौन सी बातें पसंद है, या उनसे रिलेटेड कोई भी कमेंट नीचे डाल दो। शेयर कर इस वीडियो को ताकि सबको उनके बारे में पता चले कि वो कितने ग्रेट थे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा और वैल्यूबल लगा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस हर संडे डालता हूँ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।